बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं आया हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ सीमेंट से बहुत सारे जानवर और बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। ये लाइन है, इसको ये प्रिंट करेंगे, कितने कलर से होगा और कितनी मेहनत का काम है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, इसमें तकरीबन 2 घंटे का टाइम लगा। 2 घंटे लगे जी। और ये ऑर्डर का है? ये बिल्कुल ऑर्डर पे तैयार कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। अच्छा, इसमें कलर कितने लगे हैं? इसमें गोल्डन कलर है, ब्लैक है। अच्छा, और ये पीला कलर है? पीला कलर, गोल्डन और ब्लैक कलर है, और रेड कलर है थोड़ा थोड़ा। अच्छा, इसके अलावा और कौन से हैं? और ये देखो, एक ये तैयार किया। अच्छा, ये ऑर्डर पे तैयार कर रहे हैं, कल नया। इसमें कितने कलर है? इसमें वाइट है स्पोर्ट जी, और रेड है, पीला है, और ये कॉपर है। अच्छा, गोल्डन कॉपर। अच्छा, कितना टाइम लगता है इसको बनाने में? इसको बनाने में तो ये कलर में 2 घंटे लगते हैं, तो बनाने में जो है ना 3-4 घंटे लगते हैं। तो ये ऑर्डर का है या कोई भी बंदा ऑर्डर आके दे सकते हैं? नहीं, कोई भी ऑर्डर दे सकता है, वैसे ही ऑर्डर पे ज़्यादा तैयार करते हैं। अच्छा, अपना नंबर शो कर दें, कोई आपसे फ़ोन पर रब्ता करना चाहे तो। हाँ जी, नंबर मेरा 0300 है जी, 4683 जी, 461 4683 461 461 नाम? नाम अरशद मेरा। घर की खूबसूरती के लिए गार्डन में ये चीज़ें रखना चाहें तो इनको फ़ोन पे ऑर्डर दे सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं जानवरों की, तो फ़ोन करके रब्ता करके फिर आप ऑर्डर दे सकते हैं। ये देखो, हमारे पाकिस्तान का बनाया भी कलर करने वाला है। तो ये भी ऑर्डर का है या ऐसे ही बना के रखा हुआ है? ये ऑर्डर का ही है। ऑर्डर का कहाँ का ऑर्डर है? ये इधर शाहकोट वाली साइड पे, फैसलाबाद के करीब। अच्छा, वहाँ स्कूल में एक में जाना है इसमें। अच्छा, इसका भी कलर रह गया, बाकी सारा तैयार है। इस पर कितना टाइम लगा है? इस पर तकरीबन 4 दिन लग जाते हैं। 4 दिन कलर वगैरह करने में और बनाने में। तो ये पार्सल आप खुद करेंगे वहाँ तक? यहाँ से पार्सल कर देंगे, वहाँ पहुँच जाएगा। अच्छा, ये वाला बाज देखें कि बहुत मेहनत से बना है। इस पर कितना टाइम लगा है? इस पर 12 दिन लग गए हैं। 12 दिन? 12 दिन में ये बनाया भी और कलर भी किया, तकरीबन 8 दिन में ये बनाया हमने, तो 4 दिन में कलर पे 4 दिन लगे हैं, क्योंकि पटीने वगैरह लगा के फिर कलर करते हैं। अच्छा भाई, कितना टाइम हो गया काम करते हुए? ये मैं 1985 का कर रहा हूँ काम। 1985 से जी। तो अभी तो माशाल्लाह बहुत नाम होगा आपका। हाँ जी, पूरे पाकिस्तान में जानते हैं लोग मुझे, पहचानते हैं। आपको ये लाइन जो है ना शेर जी, इसको कलर करेंगे, तो वो कलर करके आपको मुकम्मल दिखाएंगे। चले स्टार्ट करें। कैसा कलर करते हैं? कितने कलर होंगे उस पर? उसको होंगे तकरीबन 4 कलर होंगे। 4 कलर? हाँ जी, ब्लैक वाला होगा जी, वाइट वाला और पीला कलर होगा। ये अभी पेंट होगा पूरा। तो अरशद भाई और इनके साथ एक वो लड़का है, इन्हीं के पास काम करता है, वो प्रिंट करेंगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। जब प्रिंट हो जाएगा तो फिर देखना कि किस तरह से खूबसूरत नज़र आएगा आपको। पहले ये पीला कलर होगा इसको, फिर थोड़ा सा कॉपर टाइप होगा, लाल कलर, और आंखें सफ़ेद होंगी ऐसे, और दांत भी सफ़ेद।
डाई से तो बहुत इजी नहीं बन जाता? हाँ जी, डाई से ज़रा आसानी में जल्दी बन जाता है। ये देखे और दो तैयार किए शेर दिखाएं। तो बड़े इनको अभी कलर करने वाला है, भी सिंपल बना के रखे हुए सीमेंट से। इन पे अभी प्रिंट होगा, तो प्रिंट होने के बाद फिर एक अलग ही लुक में नज़र आएंगे ये। एक दाएं तरफ देखता है, एक बाएं तरफ देखता है। अच्छा, दो तरह के। ये भी ऑर्डर के? ये इधर फैसलाबाद वाली साइड पे जाएंगे। एक ये राइट और लेफ्ट देख रहे हैं, हो सकता है कि इनको ऑर्डर मिला हो कि एक राइट देख रहा हो और एक लेफ्ट, आमने सामने लगे। ये फैसलाबाद जाएंगे? हाँ जी, ये फैसलाबाद जाएंगे, समुंदरी रोड। अच्छा। फैसलाबाद। और इसके अलावा क्या बनाया है फ्रेश अभी, वो आपको दिखाते हैं। मस्जिद का ताज, माशाल्लाह कितना खूबसूरत। ये तो फाइनल हो गया है ना? ये फाइनल है। ऊपर थोड़ा सा कलर इसके रह गया, स्टील वाले कलर्स लगे। अच्छा, इसके ऊपर स्टील वाले कलर्स लगे। सही। और ये गुम्बस है? गुम्बस है ये सामने, ये भी तैयार हो चुके हैं मस्जिद के, माशाल्लाह। फवारा वाला तो नहीं है ये? हाँ, ये पानी वाला, जो पानी वाला जो बनाया हुआ है, ऊपर से पानी आता है नीचे ऐसे। ठीक है, फिर पहले एक प्लेट में, फिर दूसरी में, फिर तीसरी में, फिर चौथी में। इस तरफ गुंबद बना हुआ है, ये भी दिखाता हूँ आपको। ये फाइनल तैयार हो चुका है, कंप्लीट तैयार है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये भी इन लोगों ने, अरशद भाई ने ही बनाया हुआ है। गमले दिखाइए, ये वाले। ये भी सीमेंट से बनी है? सीमेंट से? हाँ जी, सीमेंट से तैयार की जाती है, वहाँ बना रहे हैं ना ये। हाँ जी, सीआरबी डाले हैं घरों में जो छतों के लिए इस्तेमाल होते हैं। काफ़ी मेहनत वाला काम है। हाँ जी, हाँ जी, काफ़ी मेहनत वाला काम है ये, बजरी से और सीमेंट से, रेत से, सरिये से, इसमें तेल मट्टी का इस्तेमाल होता है। मेन जो है ना इसकी कारीगरी है, हर बंदा नहीं बना सकता ये, बड़ी मुश्किल से ये बनानी पड़ती है। इसकी ट्रेनिंग है, 2-3 साल की ट्रेनिंग है इसकी, ट्रेनिंग के बाद तैयार होती है। ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल।
छत में इस्तेमाल होती है ना ये? ये छत पे जो डीआर पे डालते हैं। हाँ जी, फोटो मरबे की है ये। तो ये डीआर पे डालते हैं। छोटा वाला? हाँ ये छोटा था, ज़्यादा वो बड़ा है, ये छोटा है, ये उससे भी छोटा है। इससे बड़े वो पहले वाले दो हैं? हाँ जी पहले वाले, वो बाहर पड़ा हुआ बड़ा जो, ये तीन छोटे हैं। कुछ छोटा साइज है, इससे बड़ा ये वाला है, फिर इससे बड़ा ये वाला है। हाँ जी बिल्कुल, वो बाहर जो सबसे बड़ा। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।